धन्यवाद डॉक्टर कमल साथियों, आज पूरे देश में जो माहौल है उसके उत्तर प्रदेश के सोचा श्री मोरा जी है छात्र युवा अधिकार मोर्चा उसके संयोजक है मुझे करूँगा अपनी बात रखकर सुन रहे भारत बंद जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा 10 महीने शानदार आंदोलन के पूरे हुए हैं कल 26 सितंबर को उसकी अगली कड़ी में संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए आज संपूर्ण देश में भारत बंद का आयोजन किया गया है। उसी के सिलसिले में आज इलाहाबाद में भी भारत बंद रखा गया है और इसे व्यापक समर्थन मिल रहा है। व्यापार मंडल ने भारत बंद को समर्थन किया है। कचहरी बंद है इस समय। अधिवक्ता भी आ रहे हैं जुलूस बना करके, वो भी हड़ताल पर हैं। रिक्शा कई क्षेत्रों में रिक्शा टेम्पो यूनियन भी हड़ताल पर है। यहाँ पर ट्रेड यूनियन, खेतिहर मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, सभी कर्मचारी सभी हड़ताल पर हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो तीनों काले कृषि कानून हैं वो वापस हो, क्योंकि तीनों काले कृषि कानूनों के लागू होने से न केवल किसान बर्बाद हो जाएंगे, देश की खेती किसानी चौपट हो जाएगी, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कारपोरेट के पास इतना असीमित अधिकार हो जाएगा अन्न का भंडारण करने में कि देश के लोगों को गेहूं, चावल, दाल, सब्जी वगैरह आवश्यक वस्तुएं मिलनी दुभर हो जाएंगी और आसमान छूती कीमतों पर जो है उनको खरीदना पड़ेगा। हम यह मांग करते हैं कि तीनों काले कृषि कानून वापस हो, बिजली संशोधन कानून 2020 वापस हो, चारों श्रम संहिताएँ वापस हों और जो कारपोरेट के हाथों पब्लिक सेक्टर को औने पौने दामों पर बैंक, बीमा, रेलवे, बिजली सबको बेचा जा रहा है, गैस को और PWD को, सरकार इसको भी अविलंब इस नीति को वापस करे, तभी जो है देश के लोग जो है लोगों का चयन होगा, अन्यथा सारी गुलामी है। मैं अविनाश कुमार मिश्र, जिला संयोजक CITU इलाहाबाद।